इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके ऊपर से परमेश्वर का अनुग्रह हट गया था। सबसे पहले हम लूसीफर के बारे में यानी कि शैतान के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, लेकिन उसके पाप करने के कारण परमेश्वर का अनुग्रह उस पर से हट गया। जब हम यशाया उसका 14 अध्याय वचन 12 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? परमेश्वर का वचन बताता है कि लूसीफर ने जिन स्वर्गदूतों को बहकाया था और जिन स्वर्गदूतों ने लूसीफर का साथ दिया था, परमेश्वर का अनुग्रह उन स्वर्गदूतों से हट गया था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय वचन 41 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल पर से हट गया था। जब हम पहला शमूएल उसका 16 अध्याय वचन 14 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठा लिया गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा।